तो कैसे हैं सब लोग? वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार सब्सक्राइब करें, अभी तक एक भी नहीं हुआ है, पहला वाला देखते हैं कौन करेगा। तो अब तक हमने जो भी स्मार्टफोन्स देखे फोल्डेबल वाले, सारे के सारे बुरी मौत मरे हैं। सैमसंग फोल्डेबल स्मार्टफोन काफी अच्छा था, सब लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन तभी वो टूटना स्टार्ट हो गया और सैमसंग को रिलीज कैंसिल करनी पड़ी। हुआवे का फोल्डेबल स्मार्टफोन भी काफी अच्छा हो सकता था, पर अब हुआवे पर तो ट्रंप ने बैन लगा दिया है और हुआवे के लिए अपना नॉर्मल स्मार्टफोन्स बनाना ही मुश्किल हो गया है, तो फोल्डेबल स्मार्टफोन तो यार काफी दूर की बात है। तो जब तक ट्रंप का बैन नहीं हटता या फिर हुआवे कुछ और अल्टरनेटिव नहीं निकाल लेता, हुआवे वाला फोल्डेबल स्मार्टफोन भी आने वाला नहीं है। और अब आया सोनी फोल्डेबल स्मार्टफोन की दौड़ में। तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार सोनी से अपना सिंपल स्मार्टफोन तो बनते नहीं ढंग के, फोल्डेबल स्मार्टफोन कहाँ से बना देगा? तो जो सोनी के बारे में दिखता है बात उससे काफी बड़ी है। इस फोल्डेबल स्मार्टफोन में 5G कनेक्टिविटी होगी और रिलीज डेट 2020 में हो सकती है। उम्मीद है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 में सोनी एक्सपीरिया F इस स्मार्टफोन का नाम हो सकता है, और F का मतलब जेन्युइन सी बात है फोल्डेबल। काफी सारी लीक्स इस स्मार्टफोन के बारे में अभी नहीं हुई है, पर एक लीक है कि इस स्मार्टफोन में 21:9 की डिस्प्ले होगी। और अब इस बात पर आते हैं कि ये डिस्प्ले कैसे वर्क करेगी। दो पॉसिबल तरीके हैं इस डिस्प्ले के वर्क करने के, 21:9 जो कि बाहर की तरफ खुले जैसा कि हमने हुआवे वाले फोल्डेबल फोन में देखा था कुछ इस तरह से, और दूसरा है इस तरह से, जब खुल जाए तो पूरा 21:9 का फोन हो जाए और जब नहीं जरूरत तब बंद करके डालो जेब में और चलो। तो जैसे कि मैंने बताया अब तक के सारे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स काफी बुरी मौत मरे हैं, तो इस सोनी के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंपटीशन में कोई और फोल्डेबल स्मार्टफोन है नहीं और मार्केट फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए काफी बड़ी है। लोगों को फोल्डेबल स्मार्टफोन चाहिए पर फिलहाल कोई ऑप्शन है नहीं खरीदने के लिए। मैं उम्मीद करूंगा सोनी का फोल्डेबल फोन टूटे ना सैमसंग की तरह, क्योंकि सोनी भी सैमसंग की ही फ्लेक्सिबल ओलेड टेक्नोलॉजी यूज करेगा। अगर सोनी किसी तरह से ये फोल्डेबल स्मार्टफोन अच्छे से बना लिया तो शायद हो सकता है कि ये उनके लिए टिकट साबित हो स्मार्टफोन रेस में दोबारा टॉप 5 में आने के लिए। कुछ हफ्ते पहले हमें रिपोर्ट्स मिली थी कि सोनी शायद अपनी मोबाइल डिवीजन को बंद कर दे, पर ऐसा नहीं होगा। सोनी ने कहा है इट विल नॉट गिव अप द मोबाइल सेक्टर एंड विल फोकस ऑन की मार्केट्स। तो अभी भी उम्मीद लगाई जा सकती है सोनी से कि कुछ बड़ा हो सकता है कभी ना कभी। तो देखते हैं कि ये फोल्डेबल स्मार्टफोन सोनी के लिए क्या काम आएगा। आप मुझे बताना कि आपको क्या उम्मीद है सोनी के फोल्डेबल स्मार्टफोन से। और यार जाने से पहले सब्सक्राइब करें, अभी भी 0 है यार, हद है भाई, कोई भी नहीं करता यार, इतना जुल्म तो मत करो। और ठीक है, मिलते हैं कल।